अस्सलाम वालेकुम वार्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है चिकन पैटीज। आज हम आप लोगों को चिकन पैटीज बनाना बता रहे हैं, तो चलें देखते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ देखें, यह होममेड पफ पेस्ट्री है जो मैंने आप लोगों को बनाना बताई है। ये इससे हम आप लोगों को चिकन पैटीज बनाना बताएंगे। पफ पेस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस लेके उसे मैंने उबाल लिया, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसके मैंने शेड कर लिया है। एक दरमियानी साइज की प्याज है, इसे चॉप करके लिया है। यहाँ हमारे पास चिकन क्यूब से आधी ली है मैंने, इसकी जगह आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिए, हाफ टी स्पून नमक लिया है। एक अंडे की अंडा जरूरत पड़ेगी, अंडे को हम फेंट कर और ब्रश करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, 2 टेबल स्पून मैदे की जरूरत पड़ेगी, आधा कप हमारे पास दूध है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन में हम ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जगह आप लोग मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी साइज की एक प्याज है, इसे हमने सॉफ्ट करना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, अब हम ये 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट हम डाल देंगे। चिकन क्यूब डालेंगे, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें। चिकन शेडेड चिकन डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और आधा कप तेल डालकर इतना पकाएंगे कि ये ठीक हो जाए। ये देखें अच्छी तरीके से ये ठीक हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। पफ पेस्ट्री हमने जितने पैटीज बनाए हैं उतने हम ले लेंगे। इसे मैं हाफ करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने 3 से 4 घंटे पहले इसे निकाल दिया था। इसे मैं दोबारा रैप करके फ्रिज में रखूंगी और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जब पड़ेगी रूम टेम्परेचर पे लाकर फिर हम इसे बनाते हैं। ये देखें इसकी लेयर देखें, ये ज़बरदस्त लेयर बनी है। इंशाल्लाह हमारे भी बाजार से अच्छे पैटीज बनेंगे। करेंगे मैदे को और उसी तरीके से जैसे हमने पहले पफ पेस्ट्री को बेला था, इसी तरीके से इसे बेलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से टैप करते हुए मैंने अच्छी तरीके से इसे फैला लिया, और इसे हमने आधे इंच जितना मोटा रखना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके अच्छी तरीके से हम बेलेंगे। ये देखें इतनी थिकनेस हमने रखनी है, और ये देखें मैंने ये बेल लिया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करते हैं जब हम पैटीज बनाते हैं। कोई भी हम कटर ले लें, ये मेरे पास कुकी कटर से, इससे मैं बनाऊंगी। ये देखें ये हमने काट लिया, अब हम इसको इस तरीके से ये देखें ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इनको निकाल के अलग कर लेंगे। अब ये हमने एक साइड पे रख लिया। अब इनको देखें, ये जो हमारे पास बाकी बच गई है पफ पेस्ट्री, इसको हमने इस तरीके से लपेटना है। और फिर हम इसको दोबारा से बेलेंगे। आटा डस्ट करेंगे और इसको हमने इस तरीके से बेलना है। ये हमने बेल लिया, अब इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। इसी तरीके से पफ पेस्ट्री को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से इकट्ठा करके ये जो है मैं नीचे की बेस बनाऊंगी। नीचे की बेस जो होती है हमेशा थोड़ी सी थिन होती है, ये देखें ये इस तरह से थिन होगी, और जो ऊपर की होती है वो थिक होती है, ताकि वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से राइज हो। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके भी पैटीज बहुत अच्छे शानदार बनेंगे। ये देखें मैंने एक ट्रे ले ली है, मेरी पिज्जा ट्रे है, इसके अंदर हम रखेंगे ये जो थिन वाले हैं वो हम रखेंगे। ये हमने ट्रे में लगा दी, देखें बेकिंग डिश में, और अंडे को हमने अच्छी तरीके से बीट करना है, और एक ब्रश के
से हमने इसको अंदर इस तरीके से लगाना है, सबको इस तरीके से लगा लें हम। देखें सारों पर हमने लगा लिया, अब हमने फिलिंग लेनी है और इस तरीके से सारों पे हमने रखनी है। तकरीबन 1-1 टेबलस्पून के करीब हम इस पे रखेंगे। फिलिंग हमने सब पर रख दी, अब एक एक हम उठाएंगे और इस तरीके से इस पे हम रखेंगे। कोई भी आपके पास कैप हो उसके साथ आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर डालें ताकि ये डिज़ाइन सा बन जाए। ये देखिए, कोई भी आपके पास कैप हो आप इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर डालें ताकि इसके ऊपर एक डिज़ाइन भी बन जाए और ये आपस में जुड़ जाए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम एक बार फिर अंडे के साथ ब्रश करेंगे। और मैंने हीटर अपने अवन को प्री हीट करा हुआ है 200 डिग्री पर और 20 मिनट पहले ही मैंने अवन को प्री हीट करके रखा था, इसलिए कि इसे गरम गरम अवन में ही पकना होता है ताकि अच्छी तरीके से ये हमारे जो चिकन पैटीज हैं अच्छी तरीके से बेक हों। हम इसे 30 मिनट के लिए अवन में बेक होने के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे बचे हैं तो हमने इस तरीके से इसे लपेटना है, इस तरीके से ऐसे। फिर हम इसको जो हमारी पफ पेस्ट्री है इसके अंदर इस लेयर में लगाएंगे और इसे हम लपेट के रख देंगे। जब हम बाद में यूज करेंगे तो फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मैंने शॉपर में लपेट के मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था इसको। जब मैंने इस्तेमाल करा तो मैंने 4-5 घंटे पहले निकाल लिया था। अब मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पेटीज राइस हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पेटीज बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेटीज हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। वैसे अभी बहुत ही हमारी डो पक गई है और ऊपर से भी आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। ये देखें ज़बरदस्त हमारे पेटीज तैयार हैं, चिकन पेटीज। और ये देखें इसकी लेयर, देखें सारी लेयर आपको नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये पेटीज बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। यकीन जाने बाज़ार से कहीं बेहतर ये पेटीज हमारे बनके तैयार हुए हैं। इसे आप केचप के साथ खाएं। ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हुई है और होममेड हमने आप लोगों को पफ पेस्ट्री बनाना बताई थी उससे मैंने ये चिकन पेटीज बनाना बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखें एक पेटीज में आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से मुकम्मल ये पक गया है। ये देखें अंदर तक ये पक गया अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़े का ये बना है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें केचप के साथ लगाकर और खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। उन्हें भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं, इतने मज़े के ये पेटीज बने हैं। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।